बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, सोल्व रिव्यू एमसीक्यूज़। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल, सिंबल हमारे पास क्या होते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू और अनइक्वल टू, ये किसी क्वेश्चन के लिए शामिल होते हैं, ये अनइक्वलिटीज़ के लिए, गैर मसावात के लिए शामिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेकेंड वाला एमसीक्यूज़ है वो है हमारे पास, x इज इक्वल टू इज अ मेंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ माइनस टू है, इधर है माइनस टू, लेस देन और इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। देखें यहां पे कह रहे हैं माइनस टू इज लेस देन x और x इज लेस देन 3/2। अब इसका मतलब क्या है, ये देखें, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन पे ये हमारे पास आ गया x, यहाँ पे आते हैं वैल्यूज, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास x है और ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे आपके पास क्या आती हैं माइनस 1, यहाँ पे वैल्यूज आती हैं माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे माइनस 4, यानी कि यहाँ से वैल्यू लेस देन होना शुरू होगी 0 से, और यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई, यहाँ पे आके आपके पास 2 आ गई, यहाँ पे आपके पास 3 आ गई, यहाँ पे आपके पास 4 आ गई, और यहाँ से 0 से लेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं x इज इक्वल टू है माइनस टू, यानी कि एक x यहाँ पे है, और फिर वो कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन और लेस देन 3/2, यानी कि 3/2 का जो मतलब है वो होता है हमारे पास 1.5 और एक है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस टू इज लेस देन x, तो x हमारे पास क्या होगा फिर 0, और यहाँ पे वो x की भी वैल्यू हमारे पास क्या कह रहे हैं 0, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा एक 0 हल सेट क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास वो क्या कह रहे हैं थर्ड वाले एमसीक्यू में, इफ x इज नो लॉगर देन 10, यानी कि जो x से बड़ा नहीं है, x इज लेस देन और इक्वल टू है हमारे पास 10, अगर x की कीमत 10 से बड़ी ना हो तो फिर हमारे पास 10 से अगर बड़ी नहीं है तो फिर 10 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी वाला। आगे फोर्थ वाले एमसीक्यूज की बात करते हैं, इफ द कैपेसिटी ऑफ सी ऑफ एलिवेटर इज एट मोस्ट 600 पाउंड, देन अगर एक लिफ्ट को बोझ उठाने की इस्तात ज्यादा से ज्यादा 1600 पाउंड है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, यानी कि फिर हम लिखेंगे कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1600, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा 1600 से ज्यादा वजन उठा सकती है लिफ्ट, उससे ज्यादा वो वजन नहीं उठा सकती, कम उठा सकती है, उसके इक्वल भी उठा सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं उठा सकती, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास डी वाला। 11 वाले एमसीक्यूज को हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, लास्ट वाला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, अगर आप देखें x इज इक्वल टू 0, वो कह रहे हैं x इज इक्वल टू 0, चॉइसिस हमारे पास क्या है, x लेस देन 0 का मतलब क्या है, माइनस 1 है, माइनस 2 है, माइनस 3 है, ये है ना, ठीक है। अब देखें यहां पे वो क्या कह रहे हैं 3x + 5, ये भी हमारे पास वो कह रहे हैं भाई लेस देन है और 0 इज ग्रेटर देन है, यहां पे वो क्या कह रहे हैं x प्लस 2 इज लेस देन और 0 हमारे पास क्या है इक्वल टू है, यानी कि यहां पे पॉजिटिव साइन आ गया, यहां पे भी हमारे पास पॉजिटिव साइन आ गया, लेकिन हमने क्या करना है x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे देखें x माइनस 2 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारे पास डी वाला। हमारे पास यहां पे कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो हमारे पास कंप्लीट होते हैं। अपने अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।